I am Dr. K.K.M. Basta, consulting physician and neurologist practicing at Patna. आज हम cerebral stroke माने ब्रेन का आघात जो होता है उसके बारे में विचार रखेंगे या बताने जा रहा हूँ। cerebral stroke जो है बहुत ही जानलेवा बीमारी होती है। इसमें एक तरफ का हाथ और पैर में लकवा मार देता है। ये जनरली या तो एकाएक बीपी बढ़ गया उसके चलते हो सकता है, या खून की थक्का जिसमें कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड पेशेंट में ज़्यादा होती है उस केस में खून का थक्का जम जाने से भी, ब्रेन में अगर खून का थक्का जम गया उसके चलते भी लकवा मार सकता है। और बीपी एकाएक शूट आउट होने पे जनरली हेमरेज हो जाती है, उसके चलते हेमरेज होने के बाद खून की नली फट जाना, तो उस केस में भी ये एक साइड का लकवा मार देता है। जनरली हेमरेज जो होता है वो ज़्यादा घातक है इन बनिस्पत टू इन्फार्क्ट, जिसमें ब्लॉकेज होती है। तो इससे बचने के लिए मैं इतना ही कहता हूँ कि जिन पेशेंट को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, अदर कोई भी कारण हो, तो उस वो लोग अपने नियमित समय से दवा लें और उसकी सही से उपचार करें। दवा बीपी की दवा कभी मत छोड़ें, बीपी की दवा कभी मत छोड़ें, चीनी की दवा बिना कोई डॉक्टर के संपर्क के न छोड़ें। अपने मन से बहुत लोगों को रहता है कि अब मेरी बीपी ठीक हो गई, हमने दवा छोड़ दिया। शुगर एक बार चेक कराया, शुगर नॉर्मल हो गया तो दवा छोड़ दिया। उन लोगों को लगता है कि अब हमारा बीपी और शुगर की समस्या ख़त्म हो गई, और उसके बाद जब फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या इस टाइप की कॉम्प्लिकेशन जब लकवा मार देता है, तब लोग डॉक्टर के पास आते हैं, तो उस समय पता चलता है कि नहीं, आपको तो दवा खाते रहना चाहिए, इसी के चलते आपको ये चीज़ हो गई। दूसरा इसमें है कि स्मोकिंग अगर कोई कर रहे हैं तो वो चीज़ हटा दें, अल्कोहल ले रहे हैं तो वो हटा दें, किन्हीं की सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है तो उसको उसमें वॉक में बदल दें, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएँ और सामान्य एवं संतुलित आहार लें। यही मेरा आपके साथ सुझाव है, तभी आप स्ट्रोक्स या इस टाइप से जानलेवा बीमारी से आप बच सकते हैं। धन्यवाद।